Welcome once again, viewers, to Aaj Ka Sabrang. And as you know, we bring different personalities from our community. Today, Aaj Ka Jo Sabrang Hai, Usme Hum Aapki Khidmat Mein Pesh Kar Rahe Hain Ek Aisi Shakhsiyat, Jo Community Mein Bhi Bahut Kaam Karti Rahi Hai, Shakhsiyat, Aur Magistrate Ki Duty Bhi Karte Hain, Health Se Bhi Unka Taluk Hai, Aur Bhi Bahut Kuch Karte Hain. Agar Maine Aapko Sab Kuch Bata Diya, To Phir Unse Baat Kya Karenge Hum? Isliye Hum Unki Taraf Chalte Hain. Janab Mohammad Jameel Sahab, Assalamu Alaikum. Jawaid Sahab, Sabse Pehle Waalaikum Assalam. Mujhe Bada Fakhr Hai Aur Aapki Daawat Ka Main Bahut Mashkoor Hoon. Aapne अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया है जी तो जी बिल्कुल ये कम्युनिटी का फोरम है और हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान से यहाँ आकर कुछ कम्युनिटी में काम करती है कुछ ऐसे गोल्स अचीव करती है जी, जी, उनको हमारा काम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम हाईलाइट करें जी, जी, तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान कब से आप आए हैं यहाँ पर यूके में जी जब ऐसा मैं मार्च 1971 में आया था यहाँ तो मैं आपको ज़रा पाकिस्तान में अपने ले जाता हूँ तो मैं उस वक्त कैम्बलपुर था आजकल अटक है और उसके साथ जो एक गांव था मिर्ज़ा वहाँ पैदा हुआ था और मेरे जो वाले मोहतरम थे उन्होंने मुझे उन बहुत इम्पैक्ट डाला है वो वजह ये थी कि मैं 3 साल का था तो अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर जी जो थी वो पास्ट अवे हो गई तो उनका उन्होंने मुझे 2 प्यार दिए थे माशाल्लाह वाले साहब वाले और माँ का भी और बाप का भी वो उनका ये था कि वो उन्होंने 30 इयर्स ब्रिटिश आर्मी मेडिकल कोर में सर्विस की थी जी और उनका जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो उनको ओ बी आई मिला जो मुझे दे गए हैं तो उनकी जो स्टोरियाँ थीं एक तो ब्रिटिश राज के ज़माने की और दूसरा वो एनवायरनमेंट जिसमें मैं पैदा हुआ उसने मुझ पर कैसे अफेक्ट किया ये बड़ा दिलचस्प है एक काला चिट्टा पहाड़ है हमारे फतेहजंग के पास और साथ ही एक दरिया हरो था और वहाँ वो जो थे ना एक्टिविटी यहाँ जिम तो नहीं होता ना वो नेचुरल वो जो थी चीज़ें उसमें ये था कि मज़ा ये था कि आपको एक्टिविटीज़ करना कम्यूनिटी से में रहना और साथ ही हमारे जो शख्सियत है मस्जिद के साथ हमारा घर था अच्छा आप माशाल्लाह वहाँ पर तालीम पाते रहे हैं पाकिस्तान में कितने अरसा वहाँ आपने तालीम पाई और कौन से सन में आप यहाँ पर आए जी मैं जी वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज कैम्बलपुर में था जी बीएससी में था तो फाइनल ईयर में था तो यहाँ उस दिन उन दिनों के ये था कि 2 चीज़ें होती थी एक तो आप मेरे वादर साहब क्योंकि ब्रिटिश आर्मी मेडिकल कोर से उनका ताल्लुक था उनका दिल चाह था ये था कि मैं मेडिकल स्कूल में जाऊं मैं अपने अनफॉर्चुनेट एफएससी में मेरी इतने हाई मार्क नहीं आए मैं जा सकूं मैं बीएससी शुरू कर दी तो दूसरा फिर रोल था डॉक्टर तो नहीं बन सका लेकिन दूसरा ये चॉइस ये थी कि आर्मी ज्वाइन कर लें क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड आर्मी है तो मैं वो भी ISSB में जाकर वहाँ फाइनल सिलेक्शन में मैं नहीं कामयाब हुआ तीसरी ऑप्शन थी इंग्लैंड आए तो उसमें यह था कि एक आया आपके डॉन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट था कि नर्सिंग के लिए तो ये एक द बैक डोर था मैंने अप्लाई कर दिया मैं एक्सेप्ट हो गया इस तरह से मैं जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी वालद साहब से लिए यहाँ आ गया फिर अच्छा यहाँ कौन से सन में आप आए मैं जी मार्च 1971 में आया था अच्छा, तो लेस्टर में माशाल्लाह उस वक्त हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी नंबर 2 थी तो वहाँ मैंने आगाज़ किया अपने करियर का यानी आप आते ही मेडिकल प्रोफेशन जो है उसमें चले जी, जी 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 तो आपने कौन सी कैपेसिटी में ज्वाइन किया भी मैं एज ए जो जो नर्सिंग के SRN था वो किया और फिर मैंने रजिस्टर्ड मेंटल नर्सिंग क्वालिफिकेशन होती है वो किया टावर हॉस्पिटल में फाइनली मैंने कंप्लीट आपके मिडलवुड में किया था तो फिर एडवांस थी क्वालिफिकेशन थी मेंटल हेल्थ स्टडीज़ की तब शेफील्ड पॉलीटेक्निक थे वहाँ वो किया तो फिर साथ ही वो करियर प्रोग्रेशन होता है तो उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट कोर्स पर भेज दिया तो 1 साल का वो मैंने किया तो इस तरह से और छोटे छोटे कोर्स होते रहते हैं ऑन गोइंग डिवेलपमेंट तो मैं फिर वहाँ से आगाज़ करके जब मैं रिटायरमेंट स्टेज पर पहुँचा तो उस वक्त मैं आप इतना अरसा मतलब कि हेल्थ के साथ मुंसलिक रहे हैं जी जी आप ये बताइए जो हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तानी कम्युनिटी वो अपनी सेहत का कितना ख्याल रखती है क्या उनमें इतनी अवेयरनेस है
कि अपनी सेहत के बारे में वो सब कुछ जानते हैं? ये इम्प्रूवमेंट हो रही है जी, आजकल काफ़ी लोग अपने एक्टिव हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंटल वर्कर्स हैं, वो रेज अवेयरनेस कर रहे हैं, जीपीज हैं, वो लीफलेट देते हैं, मल्टी लैंग्वेजेस में लीफलेट मौजूद हैं हर सर्जरी में, इसमें लाइब्रेरीज में, सिटीजन एडवाइज ब्यूरो में। लेकिन एक डिस्पाइट ऑफ दैट उसमें एक चीज़ जो है वो अवेयरनेस अब भी कम है चंद एरिया में अपने लोगों में, वो लैक ऑफ मोटिवेशन है। इस वजह से कि वजह ही उसकी मिसाल के तौर पर हेल्थ मेंटल हेल्थ सर्विसेज है, वन ऑफ द बेस्ट मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन शेफील्ड। मैं ये नहीं बायस हूँ, यहाँ अवेलेबल है, लेकिन अपने लोग उसको यूज़ नहीं करते। और क्या आप बताएं, क्या मतलब कि हमारी कम्युनिटी को पता नहीं है इसके बारे में, अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल हेल्थ के हवाले से, या जो हमारे लोग इस प्रोफेशन में हैं वो कोई अवेयरनेस जो है वो फैलाने की कोशिश नहीं करते हमारी कम्युनिटी? नहीं जी, अवेयरनेस तो हो रही है। देखो ना, मैं अर्ज़ किया है पहले जावेद साहब कि आप लीफलेट उठाएँ, वो बंगाली में भी है, उर्दू में भी है, पश्तो में भी है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, सोमालियन लैंग्वेजेस में हैं, अवेलेबल है। लेकिन उसमें ये है कि मेंटल हेल्थ पर्टिकुलरली, उसकी वजह ये थे कि एक स्टिग्मा अटैच था कि मेंटल हेल्थ जो थी ना उसको लोग नहीं शेयर करना चाहते थे, ओपन नहीं कर, वो अपनी फैमिली के अंदर ही रखना चाहते थे, उसकी ये वजह ये भी एक है। अब ये है कि आप मिसाल के तौर पर आप ये, मैं आपको मिसाल दे, कोई जाता है भी दिल की उनको तकलीफ़ है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो अगर उनको हार्ट का ऑपरेशन हो, अगर एक आदमी है ब्रेड विनर है वो जाता है, तो वो ज़रूर परेशान होगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि सीरियस ऑपरेशन होते हैं या कैंसर खुदा ना खास्त हो गई, वो वही उन्हें कहते हैं रिएक्टिव डिप्रेशन, वो भी डिप्रेशन है। लेकिन इसमें अब हो रही है लोगों को कि किस तरीके से अवेयरनेस ज़्यादा किया जाए। खातून हैं कम्युनिटी वर्कर्स, लोगों के घरों में जाती हैं, उनको बताती हैं, ख़ास करके हमारी जो लेडीज़ हैं ट्रेडिशनल लेडीज़, वो बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी, वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी, क्योंकि मर्द हजरात बाहर जाते थे काम करने के लिए, उनका सोशल सर्कल होता था। शुरू शुरू में हमारी खातून जो थी उन्होंने बहुत ही परेशानी और बहुत ही उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने हेल्प अवेल नहीं की, जीपी के पास नहीं गई, और खावन हजरात बहुत बिजी होते थे, उनके पास टाइम। माशाल्लाह आप ख़ुद भी कम्युनिटी में काफ़ी काम करते हैं। जी जी, तो आपका जो रोल है कम्युनिटी में वो किस तरह का रोल है? जी, इस वक्त जो हमेशा मैं रहा, मेरा एक दिलचस्पी ये थी कि कम्युनिटी में, चाहे वो मुस्लिम सेंटर हो, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर हो, या जो भी मुख्तलिफ फोरम हो, उसमें अपने लोगों को किस तरह मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसमें यह था कि जितने भी मिसाल के तौर के किसी शॉप पर लोग हैं, ये मैं ये मेडिकेशन ले रहा हूँ, मैं यार कौन सी इनके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, आप अपने डॉक्टर से दरियाफ्त करें और ये पूछें, इस किस्म की बेसिक चीज़ें। दूसरी ये है कि उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि 87 में मैंने जब आया था कि जे पीस फ्रॉम अवर ओन कम्यूनिटी, तो मैंने अप्लाई कर दिया था, तो मैं जब ये भी बना उस वक्त, तो उसमें ये काफ़ी सारे इश्यू थे कि मिसाल के तौर पर कुरान पाक पर लोगों को लिए। अच्छा, उस तरह मैं आ रहा हूँ उस तरह, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था। जी जी, कि आप लोकल कोर्ट्स यहाँ की जो हैं उसमें आप ऐसे मैजिस्ट्रेट भी बैठते हैं। जी जी, हैं तो अभी तक भी बैठते हैं माशाल्लाह। जी जी, तो आप क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंस है यहाँ की जो कोर्ट्स हैं उनमें और जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं उनमें? मैं जी, दिलचस्प की बात यह है कि पाकिस्तान में भी 88 में बैठा था वहाँ के एडिशनल जो मैजिस्ट्रेट थे उनके साथ एज अवेयरनेस एज ऑब्जर्वर, तो उसमें और यहाँ की कोर्टों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे रूल ऑफ द लॉ जो है ना उसका काफ़ी, आपको तो जावेद साहब पता है अभी अरसे से यहाँ रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है उसकी बहुत। दूसरी ये है कि यहाँ की कोर्टों में एक लॉ की प्रोसेस है, किसी किस्म के इन्फ्लुएंस नहीं आउटसाइड। सही, तो उसमें यही फ़र्क है कि जो है ना हर लिहाज से जो रूल ऑफ द लॉ और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। सही, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है ना आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस
फिल्टर थ्रू हो जाते हैं किसी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी जी, पाकिस्तान में तो ऐसे होता है ना कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो अप्रोच करते हैं थानेदार को या और किसी महकमे वाले को, फिर जब कोर्ट में मसला चला जाता है अगर थानेदार नहीं मानता तो फिर जजेस को भी वहाँ और मजिस्ट्रेट को भी वहाँ अप्रोच किया जाता है। यहाँ पर कभी आपको किसी अपनी कम्यूनिटी की तरफ से अप्रोच हुई है कि जी हमारा बंदा जो है वो केस में फंस गया, आप मदद करें? जी, पहली तो बात यह जैसे सब प्रोटोकॉल है, मैं उस बारे में कभी किसी, ये जब कोर्ट में आप बाहर से निकल गए, आई एम ए मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, राइट, तो जिसमें ये कॉन्फिडेंशियलिटी इज द टॉप मोस्ट विच आई रिस्पेक्ट, क्योंकि जो भी हैं चाहे वो हेल्थ सर्विस में है, क्योंकि मेरे दोनों प्रोफेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो वो मैं जब बाहर जाता हूँ इसी तरह मैं मिसाल के तौर पर जैसे डिमेंशिया हो जाता है तो पता ही नहीं मैंने क्या करके आया हूँ वहाँ से बाहर कम्युनिटी, मेंबर ऑफ कम्युनिटी। और दूसरा, मैं अमूमन मेरी कोशिश है मैं मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी में रहता हूँ, उनके साथ मेरी एसोसिएशन है, मैं उनको अपना नेम ड्रॉपिंग नहीं करता, ये मेरा असूल है, कोशिश यही है किसी को पता चले और बात है कि मैं कोर्ट में हूँ, मजिस्ट्रेट हूँ, ताकि उनको ना इसकी चीज़ों की अनकम्फर्टेबल ना फील करें, एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी आई एम आउट। सो दिस इज रियली प्रिविलेज इन ब्रिटेन, और मोस्ट ऑफ द ले मैजिस्ट्रेट आर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी वेदर दे आर इंग्लिश और। अच्छा, ये बताइए कि अगर यानी कि आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो और दूसरों को उस इंफॉर्मेशन से भला मिले तो क्या वो आप शेयर कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर उसमें यही है, मैं उसमें कि मैं ज़रूर अपनी कम्युनिटी को कहूँगा यहाँ लीगल सर्विस बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे काबुल बैरिस्टर हैं, काबुल सोलिसिटर्स हैं, हमेशा अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, देखो इंसान है, हर इंसान में कोई मिस्टेक हो जाती है जिसमें आप को यू हैव ब्रोकन द लॉ, तो आप एडवाइस रूल्स इस्तेमाल लें जाकर प्रोफेशनल एडवाइस। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी सिटीजन एडवाइस सेंटर्स बिल्कुल बिल्कुल बहुत हैं। जी जी, और उनको ट्रेनिंग है, वो काफ़ी आजकल मीडिया में बड़ी अवेयरनेस है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, ताकि वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं, अगर कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाएं, फैक्ट और फिगर साथ लेकर जाएं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर जाएं, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, आपके जो वालिद साहब हैं, आपने बताया है कि आपकी वालदा तो बहुत छोटी उम्र में चली गई थी, अल्लाह को प्यारा हो गई, प्यारी हो गई थी, लेकिन वालिद साहब जैसे आपने कहा कि चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। जी जी जी, वैसे अमूमन हमारा जो कल्चर है उसमें जो वालदैन है वो तो यही चाहते हैं हमारा बच्चा बच्ची जो है डॉक्टर या इंजीनियर बने। जी जी, आपकी अपनी जो सोच थी, आपका अपना जो जहन था, आप क्या बनना चाहते थे? क्या वाकई आप हेल्थ सर्विस में जाना चाहते थे या कोई और आपके जहन में था? मेरी हमेशा अल्लाह जो था ना लोगों की पब्लिक सर्विस अच्छा। उसमें एक इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट कर दी, जो जो कुछ भी हो चाहे आप जिसमें पब्लिक को बेनिफिट, अवाम को बेनिफिट मिल सके, तो उसमें ये है, ये था ज़रूर कि इसमें मैं जो इन्फ्लुएंस मुझे ये शख्सियत ने की वो हमारे इमाम मस्जिद थे मौलाना रूमी के, बहुत ही उन्होंने लिटरेचर पढ़ा था और बल्कि उनको पूरी मौलाना रूमी याद थी, तो मैं उनसे कुरान पाक पढ़ता था, मस्जिद के साथ हमारा घर था, तो वो उसमें एक दिन उन्होंने एक किस्सा बताया, कहते हैं मौलाना रूमी के एक उन्होंने मसनवी पढ़ी तो उसकी उनकी ट्रांसलेशन की फारसी में होती थी, तो वो कहते हैं कि एक कुत्ता गीदड़ था, तो वो आप समझते हैं ललारी वो रंगदार जो करते हैं धब्बे जिनको पंजाबी में कहते हैं, उनकी बड़ी सी देख जैसे इंग्लिश में कोल्ड्रन कहते हैं, उसमें रंग था, तो गीदड़ उस रंग में गिर गया, तो बाहर जब निकला तो उसके मुख्तलिफ रंग निकला है, तो बन गया वो अकड़ के चलने लगा, वो मोर बन गया, वो अकड़ कर चलने पड़े, उसने शुरू कर दिया, तो उन्होंने जब पूछा बाकी गीदड़ों से कॉन्फ्रेंस हुई तो वो उनसे मिलना नहीं चाहता था, बूढ़ा गीदड़ आया जो बड़ा वाइज था दाना था, उसने कहा यार आप गीदड़ ही हैं अंदर से ये रंग उतर जाएगा, उतर जाएगा, तो बन जाए अपनी असलियत, तो वो ये उसमें बताते हैं ईगो नहीं होनी चाहिए जैसे अना, तो ये चीज़ें जो है ना अना हमेशा इंसानियत के वो एरोगेंस अल्लाह ताला को ही पसंद है, वो मुझे यही कहते हैं बेटा एक बात याद रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जो तकब्बर और जो अना,
इसमें चीज़ें नहीं है, इसमें ह्यूमिलिटी होनी चाहिए इंसान में। तो वो चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया, तो मुझे ये चीज़ें बचपन से मुझे स्पून फीडिंग हुई उसकी, तो मैं आप भी उनके लिए मख़्सूस दुआ करता हूँ। ही वॉज़ लाइक ए सेंट टू मी, तो उसने मेरी बहुत इम्पैक्ट डाला था उन्होंने और वालिद साहब ने, तो उस वजह से ये चीज़ें मुझे मोटिवेट किए हैं, इंस्पायर किए हैं मुझे। अच्छा, कम्युनिटी में आप काम करते रहे हैं, आपने कहा है कि आपको पब्लिक सर्विस का बड़ा शौक था। जी जी। तो कम्युनिटी में कभी कोई ऐसा किस्सा आपके साथ पेश आया हो, कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिसने कोई ऐसी यादें आप पर छोड़ी हों, कोई अच्छा वाकया या कोई बुरा वाकया आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया? जी जी, ज़रूर। मैं जी आज से तकरीबन इसको हो गए 10-12 साल पहले, एक यहाँ से हेल्थ सर्विस जो थी आलम यूनिवर्सिटी ऑफ जवान, उनका महकमा था, उनके जो सीनियर लेक्चरर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। कहते हैं कि हमें पेशावर और क्वेटा के नर्सिंग एडवांस कोर्सेज के लिए हम स्टूडेंट 5 साल के लिए मंगवाते हैं, ताकि इंटेंसिव केयर की उनको ट्रेनिंग दें, मॉडर्न इक्विपमेंट की उनको ट्रेनिंग मिले, कि कितनी जानें वो जाकर वहाँ बचा सकते हैं। तो वेट थी उसमें डालने के लिए, जिसमें आप ये स्कूल ऑफ नर्सिंग तब जो था आलम शहर का, इसमें शेफील्ड का, उसने भी अपनी बिड डाली मुख्तलिफ एरियाज़ की, ऑक्सफर्ड और उसमें। तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको ले जाऊँ ऑफिसर के तौर से, हम आपको आप शामिल हो, मेरी CV उन्होंने लिखी, तो आप हमारे साथ। मैंने ठीक है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो उसमें यह है कि लंबा प्रोसेस था, अल्लाह ताला ने किया, वो उनको उसमें कामयाबी हुई। तो 5 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो पेशावर लेडी रीडिंग और दूसरे हॉस्पिटल से लेकर क्वेटा के, उस वक्त बड़ा मन था, तो लोग आए यहाँ पर, वो प्रोफेशनल, उन्होंने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट की और वेल इक्विप्ड वेल स्किल्ड और वापस चले गए। वहाँ से एक टॉप डेलीगेशन आया था, हेल्थ का सेक्रेटरी था, उसमें मैं भी आया आलम यूनिवर्सिटी में। तो वो एक अचीवमेंट थी जिसने मुझे बहुत ही हकीकत में सेटिस्फेक्शन दी। मैंने कहा चलो, मेरी एक हम्बल कैपेसिटी से तो कुछ चीज़ हासिल हो गया अपनी कंट्री के लिए। तो वो जो खुशी थी और सेटिस्फेक्शन थी, वो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा किया, मुझे बड़ी खुशी। आज तक आपको वो याद? वो मुझे याद और मेरे लेफ्ट इम्पैक्ट ऑन माई इंडेलिबल, जैसे कहते हैं ना, जहन पर वो मार छोड़ गया है। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जिसने आपको बड़ा गमजदा किया हो, आज भी उसको याद करके आप गमगीन हो जाते हो, कोई ऐसा वाकया है आपकी ज़िंदगी में? उसमें यही था जी, जब मैं इंग्लैंड आ रहा था, तो उस वक्त मैं काफ़ी यंग था, यंग तो मतलब टीनेजर तो नहीं था, 19-20 एज ग्रुप। तो वो अलविदा कहना अपने अब्बाजान और अपने करीब रिश्तेदारों से, मेरा कोई रिलेटिव यहाँ नहीं था। ठीक। तो बिल्कुल आप दूसरे शहर में नहीं जा रहे, दूसरी कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, बिल्कुल न्यू वे ऑफ लाइफ। हाँ जी, उसमें जो था ना, मुझे काफ़ी, जिसे कहते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी रही थी, तो क्योंकि फिर अल्लाह ताला ने वही चीज़ें होती हैं, कोई स्पिरिचुअल है जो ना बिलीफ हमारे ये होते हैं, जो आपको कहते हैं मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। तो वो मुझे याद आ गया, टीचर थे हमारे फारसी के, ये मिडिल स्कूल की बात है, वो कहते हैं तेज तर के गामजन मंजिल माधूर नेस्त, व्हाट इट मींस के वो ये है कि ए मेरी उठनी तेज तेज चल, तेरी मंजिल दूर नहीं है। सही। और ये चीज़ें मुझे काफ़ी इंस्पायर की। इतने गमजदा थे आप वहाँ से, एक ऐसी जगह पे जहाँ आपका कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं बिल्कुल था। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद आपने कैसा महसूस किया? इसके बाद ये हुआ जावेद साहब, हकीकत में आप कहेंगे कि खुशकिस्मती है या वालदैन की दुआएं थी, मुझे बड़े बड़े अच्छे लोग मिले, जिनमें ज़्यादातर वाइट प्रोफेशनल, जिन्होंने काफ़ी मेरी लाइफ में मुझे सपोर्ट किया और शेप किया, डायरेक्शन दी या कुछ इन्फ्लुएंस किया। तो वहाँ एक मार्फील्ड हॉस्पिटल थी, आजकल वो इनका जमात इस्लामी ग्रुप का वो मेडिकल सेंटर बन गया, इस्लामिक सेंटर है। अच्छा। उस वक्त आसपास कोई ब्राउन फेस नहीं होता था, ये कंट्री साइड में थी, बिल्कुल मोटरवे के पास। तो वहाँ मार्फील्ड हॉस्पिटल जिस तरह लाज मोरिस किसी ज़माने में यहाँ थी, इस तरह की, तो वहाँ पर जो था चीफ नर्सिंग ऑफिसर, जिसने मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसने इंटरव्यू किया था, अपॉइंट किया था, तो उसने मुझे बड़ा सपोर्ट की, गाइड किया। तो
ठीक है, मेरी इंग्लिश मीडियम उधर से पढ़ कर आया था, एक्सेंट थे, उसने हर लिहाज से मेरे के किस तरह उसने मुझे सपोर्ट किया, कैसे गाइड किया, इस तरह से चीज़ें इंस्पायर है कि रोल मॉडल। माशाल्लाह, सही। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि अब प्रोग्राम का भी वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है, कोई मैसेज आप अपनी कम्युनिटी को देना चाहते हैं, आज की जो जनरेशन है उसको कोई देना चाहते हैं? उसमें मैं तो ये एक चीज़ कहूँगा कि जो रिस्पेक्ट, एक वर्ड होता है सम्स इट अप, तो दूसरे सबसे हमारा अहम रोल मॉडल जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप उनको सही रोल मॉडल और उनको फॉलो देयर फुटस्टेप, तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री है। मैं छोटी सी बताता हूँ बात, जब हजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे, उस वक्त यही समझ लगे किंग थे सऊदी अरेबिया का, इस्लाम का अरूज पर था, तो आप एक चादर उठा कर अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, एक खातून आई बुढ़िया, वो माई हलीमा थी, आप खड़े हो गए, एकदम खड़े हो गए, सब सहाबा कराम भी खड़े हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शान हर लिहाज से, तो वो देखते हैं आपने अपनी चादर उनको बिठाया, आप नीचे बैठ गए, तो वो जो रिस्पेक्ट थी, मैसेज था कि लेडीज़ और माँ का और फिर खातून का इज़्ज़त इस्लाम में है, इनश्राइन है, कि ये चीज़ें जो हैं ना इस्लाम से हर चीज़ अगर हम फॉलो करें, हकीकत, नॉट बाय पेइंग द लिप सर्विस, नारों से नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट। जी जी, तो मैं ये कहूँगा कि उसमें वालदैन की रिस्पेक्ट है, हार्ड वर्क है, लीडिंग बाय एग्जांपल है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, किस कंट्री में जाएँ, लिव एंड लेट लिव, यू कॉन्ट गो रॉन्ग। माशाल्लाह जमील साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं उन्होंने भी बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, आपके बारे में जानना होगा। यही था आज का सबरंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो आपने ज़रूर पसंद किया होगा। इंशाल्लाह अगले किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।